हेलो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले वहाँ के लोगों ने किस तरह से कृषि पर अपने आप को डिपेंड किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं एक मैप का आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ये भारत का मानचित्र मैं बना रही हूं। इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अगर वे कृषि पर डिपेंड थे, तो कहां कहां से उनके द्वारा कृषि कार्य किए गए थे, तो उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे सारी चीजें हम लोग यहाँ इस मैप के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। ये भारत का मानचित्र है और ये भारत हुआ। यहां से अगर हम देखें तो इस तरह से ये पाकिस्तान है। तो इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्थल से हड़प्पा के वो स्थल हैं जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम लोग गुजरात में देखेंगे। गुजरात राज्य में तीन ऐसे स्थल हैं। पहला हम लोग देखेंगे लोथल। लोथल से चावल के दाने, बाजरे के दाने और इसके साथ साथ यहां से एक आटा पीसने वाला चक्की प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल के दाने, बाजरे और आटा पीसने वाला चक्की आटा पीसने वाला चक्की की प्राप्ति हुई है। ये कहां से मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थल अगर हम लोग देखें, ये रंगपुर है। रंगपुर से कौन सा कृषि से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से देखें तो यहां धान की भूसी प्राप्त हुई है। धान की भूसी, धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तीसरा स्थल अगर हम लोग देखें तो रोजदी से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हमें देखनी है। रोजदी से रागी, कोदो और ज्वार प्राप्त हुए हैं। रोजदी से रागी, कोदो और ज्वार के दाने प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है, वो है कालीबंगा से हमें एक महत्वपूर्ण कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो है जुते हुए खेत। कालीबंगा से हम कह सकते हैं जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। ये राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग अगला स्थल जाते हैं, ये हरियाणा का बनवाली है। बनवाली, हरियाणा के बनवाली से अगर हम लोग देखें, एक मिट्टी का
मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक इधर अगर हम लोग पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, यहाँ हड़प्पा स्थल है, और हड़प्पा में अगर हम लोग देखेंगे, हड़प्पा से एक अन्नागार और गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं। ये जो हड़प्पा स्थल है, यहां से अन्नागार और गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान का सिंध प्रांत में एक स्थल है, वो है मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी का हल का प्रारूप मिला है। इस तरह से हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के इन प्रमुख स्थलों से कृषि के संबंधित इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले बनवाली अगर देखें, ये हरियाणा में है और बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है साक्ष्य के रूप में। दूसरा अगर हम लोग राजस्थान का कालीबंगा देखें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। तीसरा अगर हम लोग देखें गुजरात के लोथल से चावल और बाजरे, साथ ही आटा पीसने वाला चक्की प्राप्त हुई है। गुजरात का ही एक और क्षेत्र है रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। गुजरात का ही और एक स्थल है रोजदी से अगर हम लोग देखें रागी, कोदो और ज्वार के बीज मिले हैं। पाकिस्तान में अगर हड़प्पा को देखें तो हड़प्पा से अन्नागार और गेहूं के दाने मिले हैं। अन्नागार और गेहूं के दाने मिले हैं। उसी तरह से अगर मोहनजोदड़ो से देखें तो वहां से मिट्टी का एक हल का प्रारूप प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम लोग यहां हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उन स्थलों में से निम्न स्थल में से कृषि से संबंधित इतने साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि पर भी डिपेंड था। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ कृषि के बारे में डिस्कशन कर लिए। दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों को मेरी और भी वीडियो चाहिए तो बेबी हेमराम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।